नमस्कार। अभी मैं देवघर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह जी के समक्ष हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके कार्यकाल में ये शताब्दी समारोह जो है हो रहा है, तो सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है कि कार्यकाल में हो रहा है, इसीलिए हम आह्लादित भी हैं। हम चाहते हैं कि धूमधाम से इसका कार्यक्रम सम्पन्न हो। पहले तो सब डिविजनल कोर्ट था देवघर, और सब डिविजनल कोर्ट के रूप में हमारे एक से एक अधिवक्ता हुए, और 1984 में जिला बना। जिला बनने के बाद आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जिला जज का कोर्ट आया, लेबर कोर्ट बना, फैमिली कोर्ट बना, ये सब कोर्ट की बढ़ोतरी हुई। और जिला अधिवक्ता संघ में अधिवक्ताओं को कोर्ट जाने के लिए वर्षा में और गर्मी में गर्म और वर्षा का झेलना पड़ता था, उसके लिए बहुत मेहनत करके मैंने ओवरहेड सीट का निर्माण करवाया। शताब्दी समारोह के पहले और कुछ विकास हो जी, ताकि लोगों के नज़र में ही स्पष्ट नजर आए। तो क्या क्या मैंने वो क्या क्या योजना में है, क्या विकास कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कमी, तो आप देखते हो दूसरा कार्यकाल आपका चल रहा है तो कमियाँ तो आपके नज़र में है, तो क्या क्या दूर करने वाले? प्रत्येक साल में करीब 50 अधिवक्ता आते हैं, नया एडमिशन लेते हैं। वैसे अधिवक्ताओं को बैठने के लिए स्थान की कमी है, तो हम लोग विधायक से मंत्री के संपर्क में हैं कि 3-4 एक हॉल बनवाते हैं, ताकि नए अधिवक्ता को बैठने की जगह हो। कुर्सी की कमी है, उसको हम लोग करा दें, ताकि नए अधिवक्ता को लगे कि सुविधाजनक हो। सबसे बड़ा हम अमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं लाइब्रेरी में। यहाँ लाइब्रेरी है, केवल किताब का भंडार है। लाइब्रेरी जैसे कि जमशेदपुर में, दुमका में लाइब्रेरी का बहुत उन्नत किस्म का लाइब्रेरी है, तो मेरा विचार है कि लाइब्रेरी को भी अच्छे ढंग से हम लोग सुसज्जित करें, महिला सेट बनवाएं, महिला के लिए भी रिक्रिएशन रूम बनवा दें, ताकि महिला अधिवक्ता भी बैठ के सहज महसूस करें। उसकी चर्चा की, तो आप तो झारखंड जो बार एसोसिएशन है, अधिवक्ता संघ है, उससे भी संबंध है, आपका आना जाना होता होगा बार काउंसिल, तो वहाँ आप देखते होंगे कि वहाँ अधिवक्ताओं के लिए जो सुविधाएं हैं वहाँ, यहाँ में क्या अंतर पड़ता है कि बार काउंसिल जो है, झारखंड स्टेट बार काउंसिल पेरेंट बॉडी है, अधिवक्ताओं को लाइसेंस देने का काम करती है, और वहीं से बार के गतिविधि का संचालन होता है। और हमारे यहाँ जो अधिवक्ता संघ है, यहाँ अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं, और जो अधिवक्ता जो है उनके क्लाइंट आते हैं, ये आते हैं, उनकी सुविधा का भी आप कुछ ख्याल आप लोग रखते हैं? इसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं, वाटर सेट वगैरह हम लोग बना रहे हैं, पानी पीने के लिए इंतजाम किए हुए हैं, बैठने के लिए भी महिला अधिवक्ताओं के लिए, महिला क्लाइंट के लिए महिला सेट बनवाए हुए हैं, ये सब सुविधा अधिवक्ता संघ के द्वारा दिया जा रहा है। जन सुविधा सुविधा होती है, जैसे शौचालय है, पेशाब घर है, ये सब की कमी है। पिछले कार्यकाल में मैंने एक बहुत बड़ा डीसी से कुछ जमीन उपलब्ध करके उस पर कैफेटेरिया का निर्माण करवाया, और कैफेटेरिया चल रहा है, जहाँ अधिवक्ता और क्लाइंट भी जाके अपना नाश्ता पानी कर सकते हैं। पार्किंग की सुविधा जहाँ तक सवाल है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। SDO साहब से मिले थे, और नगर निगम वाले को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अधिवक्ता के लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था हो, और क्लाइंट वगैरह जो आते हैं उसके लिए अलग हो। उस पर अभी समुचित ढंग से कार्य नहीं हो पाया है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। अब परिसर की साफ सफाई के लिए, जैसे आमतौर पर देखते हैं बहुत सारी गंदगी रहती है, परिसर की सफाई के लिए अधिवक्ता संघ के द्वारा 2 स्वीपर रखा गया है, और हम लोग नगर निगम से भी संपर्क करते हैं, जब भी कोई ओकेजन होता है नगर निगम से लोग आते हैं सफाई कर्मी और साफ कर। शताब्दी समारोह में क्या क्या करने वाले हैं, कितने दिनों का कार्यक्रम होगा? शताब्दी समारोह में मोटा मोटी 3 दिन का कार्यक्रम होगा जी, जिसमें उच्च न्यायालय के जस्टिस, चीफ जस्टिस एवं अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संपर्क में हम लोग हैं। ये लोग आएंगे, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और सदस्य,
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के संपर्क में हैं, ये लोग आएंगे और बड़े धूमधाम से हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। क्या क्या आपने कुछ मसौदा तैयार किया कि तीन दिनों में क्या क्या करेंगे? उसमें अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पहला जो हम लोग का पहला दिन का होगा, उसमें हम लोग अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए डिमांड रखेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले उनके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए हम लोग ये करेंगे। अधिवक्ताओं को डेथ बेनिफिट में अभी 7 लाख रुपया मिलता है, उसकी राशि 2 गुना हो, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तीसरी है कि चिकित्सीय सुविधा के बारे में हम लोग बात करेंगे, अधिवक्ताओं के लिए जो भी सुविधा हो सकती है उसके बारे में हम लोग करेंगे। कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से ही करेंगे। इसकी तिथि तय हो गई है? मार्च में संभावना है। मार्च में जो युवा आते हैं उनको व्यवहारिक ज्ञान, उसका जैसे एक तरह से थ्योरी पढ़ के आते हैं, तो व्यवहारिक ज्ञान के लिए कुछ उनके लिए कार्यशाला वगैरह करेंगे और उनको बताएंगे कि कैसे वो प्रैक्टिकली कैसे वो सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अरे अधिवक्ता संघ के परिसर में कोई काला बाजारी नहीं हो स्टाम्प का, कोई ऐसा नहीं हो, उस पर हम लोग कोई शिकायत आती है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, और अधिवक्ताओं को एडवोकेट्स कलर को भी हम लोग उसके लिए बेनिफिट देते हैं। अधिवक्ता लिपिक का भी हम लोग स्टाम्प चलाए हुए हैं, एडवोकेट्स वगैरह का भी स्टाम्प है। अभी 15 रुपया स्टाम्प लगता था, वेलफेयर का 30 रुपया हो गया है, उसको भी हम लागू करेंगे। उसी पैसा से अधिवक्ता कुछ सुविधाएं सब हम लोग बार काउंसिल देंगे। कितने वर्षों का अनुभव है एक अधिवक्ता के रूप में? 45 साल का। 45 साल आपका जो आपका अपना जो व्यक्तिगत अनुभव जो है उसको किस रूप में देखते हैं, कहाँ कैसे आपने शुरू किया, क्या कोई प्रेरणा किन्हीं से प्रेरणा लेकर, तो कैसे कैसे अपना अपना करियर शुरू किया? हमने शुरू किया अपना करियर शुरू में पटना विश्वविद्यालय से हमने लॉ किया। अच्छा। हम यहाँ आए तो हमारे गुरु थे बासुकीनाथ चौधरी, यहाँ के वरिष्ठ वकील थे, उनके साथ रहे और करीब 30 बरस तक उनके सानिध्य में रहे और हमको काम करने की प्रेरणा मिली और उसी ढंग से काम किए। अभी वो नहीं है, अपना 16 बरस हम यहाँ के सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य किए, सरकार की काफ़ी सेवा किए, इसीलिए हमको काम करने का काफ़ी अनुभव रहा है और अभी भी कर रहे हैं। आपने 42 साल की यात्रा देखी, कुछ आपके अंदर और कुछ बातें जो करना चाह रहे हो, किताब लिखना हो या अपनी एक कड़ी नई एक कड़ी तैयार करें, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कर रहे हैं उसी को बढ़ाना चाहते हैं और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कुछ और अच्छा चीज़ करना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं का भविष्य अच्छा रहे। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो उसका क्या प्रतिफल आपको लगता है, क्या क्या हासिल कर पाएंगे? ये होगा कि हम अधिवक्ता संघ का जो 100 साल में कैसे अधिवक्ता संघ का उत्तरोत्तर विकास हुआ उसको हम यहाँ के अधिवक्ताओं को, यहाँ की जनता को, यहाँ के पदाधिकारी के सामने रखेंगे और अच्छे ढंग से और आगे हम बढ़ें, उसका भी हम लोग खाका वहाँ से नहीं करेंगे। अभी अभी कितने मेंबर हैं बार संघ में? लगभग 1000। लगभग हमारे बार का जिला देवघर अधिवक्ता संघ, पहले तो जिला देवघर अधिवक्ता संघ अब हुआ, पहले तो ये जिला नहीं था, दुमका था। तो जब से यहाँ कोर्ट स्थापित हुई और वकालत खाना हुआ बार, आज 100 वर्ष हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम तमाम अधिवक्ताओं को बड़ी उत्सुकता है और बहुत ज़्यादा माने हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे इस महोत्सव को संपन्न करें। इसके लिए हम लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोगों की तैयारी लगभग हो चुकी है, लेकिन बात है कि इसमें हम लोग चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस झारखंड हाईकोर्ट को लाना चाहते हैं। संयोग से हमारे जो नए चीफ जस्टिस अभी नोटिफाइड हुए हैं वो ओथ नहीं लिए हैं,
हम लोग इंतजार हैं, वो ओथ लेंगे, उनसे समय लेके यथाशीघ्र हम संपन्न करेंगे। हम लोग तैयारी लगभग कर चुके हैं, पूरा बाल बिल्डिंग को हम लोग रंग रोगन कर चुके हैं। हम लोग अपने यहाँ का साफ सफाई, टेबल कुर्सी जो भी था उसका निर्माण कर चुके हैं। हम लोग कोर्ट, सिविल कोर्ट कैंपस में इस फंक्शन को मनाएंगे। इसके लिए पंडालिंग वगैरह की भी बात हम लोग कर चुके हैं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब बहुत हम लोग को कॉपरेट कर रहे हैं, और इसके अलावे शहर के गण्यमान्य लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे। देवघर नगर के सभी संस्थाओं के अध्यक्ष सेक्रेटरी को करेंगे, झारखंड प्रदेश के सभी बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी हम लोग इनवाइट करके बुला रहे हैं। साथ ही साथ बीसीआई मनन मिश्रा जी को बुला रहे हैं, हम लोग झारखंड बार काउंसिल के सभी मेंबर और चेयरमैन को भी बुला रहे हैं। बहुत ग्रांड आयोजन करने जा रहे हैं। अब बाबा बैद्यनाथ हम लोग को शक्ति दे, आप लोग का सहयोग रहा और हमारे सभी अधिवक्ताओं का सहयोग रहा, जो सब मिलके हम लोग एक यादगार इसका दिन बनाए, यादगार के रूप में बनाए कि ताकि हमारे बार की यह सारी यह गौरव की बात है कि हम लोग 100 साल में पैर रखे इस शताब्दी को मनाने के लिए, क्योंकि यह बहुत भाग से ही किसी को मिलती है इतने वर्षों। तो इसमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस तरह से मनाया जाए कि हमारे सारे जिला इसमें शामिल हो, जितने भी झारखंड के सारे जिले हैं, और सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और इसके अलावा हमारी महिलाओं के लिए यही चाहेंगे कि इस समारोह में कम से कम मैंने जो साधारण आवश्यकताएँ जो होती है, बाथरूम वगैरह की, वो उसकी व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, इतनी हमारी रिवांस है महिलाओं। और लम सम एक साल से बार काउंसिल से ज्वाइन की हुई, काम कर रही हूँ, और नए उत्सव जो हमारा मनाया जा रहा है 100 साल का सेंचुरी, तो बार एसोसिएशन से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, पर और सपोर्ट और हाइजीनिक तरीके से बार को रखने की ज़रूरत है। हमारे यूथ से ये यूथ का ये मानना है कि हमें बाथरूम और पानी ये दो चीज़ को थोड़ा सा क्लीनिंग किया जाए, हाइजीन तरीके से। हमारा जो बाथरूम है वो बिल्कुल यूजेबल नहीं है, हम लोग यहाँ दो रुपया कमाएंगे के नहीं, लेकिन बीमारी जरूर लेकर चले जाएंगे यहाँ से, बहुत सारी ये है। और जो सबसे बस इतना ही निवेदन है कि गाड़ी वगैरह का जो सुविधा है आन जान का, इसको थोड़ा ठीक किया जाए ताकि हम लोग को जाने में कन्वीनियंट लगे। लाइब्रेरी का व्यवस्था होना चाहिए, इसको बुक ना खरीदना पड़े। ये हर्ष की बात है कि हमारे बार में सहस्राब्दी वर्ष का जो है होने जा रहा है, इसमें सारे लोग हमारे जो भी अध्यक्ष हैं, महोदय हैं या सेक्रेटरी हैं, सारे लोग, सारे अधिवक्ता लोग सब मिल के सभी इस समारोह को समापन करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, चूँकि यहाँ पे सब लोग न्याय की अपेक्षा लेके आते हैं, तो कभी कभी जो भी यहाँ पे जिस भीड़ से उनको आना होता है, फिर बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके कारण हम लोगों को भी परेशानी होती है। तो बार काउंसिल से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए ताकि जो भी न्याय की अपेक्षा लेके यहाँ पे आते हैं उनको भी अवेयर करने का, किस तरीके से हम फूड कैंपस में जा रहे हैं, किस तरीके से हमको एक एडवोकेट से बात करनी है, अपनी बात रखनी है, तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम करने से क्या होगा कि उन लोगों को भी समझ में आए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस अपेक्षा।